हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम लोग रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही ES6 में इंट्रोड्यूस हुए हैं और इन कंसेप्ट को हम लोग एरेज और ऑब्जेक्ट्स दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और दोनों का एग्जांपल हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। और ये बेसिकली इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछे जाते हैं और एक्सटेंसिवली हम लोग जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट्स लिखते हैं या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखते हैं इन जनरल, तो इसका काफ़ी हैवी यूज़ होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन कंसेप्ट को हम लोग समझें। ओके, एक है रेस्ट, ओके, और एक है स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन ये है बिकॉज ये दोनों ही सेम दिखते हैं। कोड लिखोगे तो दोनों ही सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है, पर उसका यूज़ केस बहुत डिफरेंट है। ओके, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग एरेज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो रेस्ट ऑपरेटर बताने के लिए सबसे बेस्ट है फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं उस फंक्शन का नाम यहाँ पर दे देता हूँ एड नंबर्स। ओके, और ये एक सर्टन पैरामीटर्स रिसीव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैं ए बी पास कर देता हूँ और ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। ओके, सो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सिंपली ऐड नंबर्स में यहाँ पर 2,3 पास कर सकता हूँ, 2,4। ओके, सो यहाँ पर ये जो ऐड नंबर्स फंक्शन है ये 2 और 4 में से पास कर रहा हूँ, तो ए 2 है, बी 4 है। ओके, सो अगर इसे मैं और पैरामीटर्स यहाँ पास करता हूँ 5, 6, 7, सो ये यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा। मतलब मैं इसको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर रिसीव ही नहीं हो रहा है तो वो अनडिफाइंड है, मतलब कि उसको ये फंक्शन डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। तो वैसे सिनेरियो में जो हम लोगों को n नंबर ऑफ पैरामीटर्स मिल रहे हैं, हमें मालूम नहीं एग्जैक्टली कितने पैरामीटर्स हम लोग को आएंगे, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमा दे करके यहाँ पर देता हूँ रेस्ट नंबर्स। आप कोई भी नाम यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, और इसे मैं अभी यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग रेस्ट नंबर्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि कंसोल में इंटरेस्टिंगली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 5 है, 6 है और 7 है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर 2 और 4 नहीं है। जो 2 और 4 हम लोग यहाँ पर पास कर रहे थे पहले दो में, वो नहीं है, पर 5, 6, 7 है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में हमने पहले ए पास किया फिर बी पास किया, राइट। ए बी हमने पहले पास किया इसलिए 2 ए में चले गया, 4 बी में चले गया, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर सी या इस तरह से कोई वेरिएबल हमने दिया नहीं। उसके बजाय हमने यहाँ पर 3 डॉट्स डाल के एक वेरिएबल ना पैरामीटर का नाम इधर दे दिया, जो कि रेस्ट ऑपरेटर है। तो उस रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि बाकी जितने भी लेफ्ट ओवर है, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितने भी हो गए, उन सबको कलेक्ट करके वो एक एरे में डाल देता है। ओके, और वो एरे हम लोग यहाँ पर अभी इधर कंसोल लॉग कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 और 4 नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5, 6, 7 दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर पहले हमने 2 दिया। अगर मैं यहाँ पर सी करके ओके इस तरीके से करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी रेस्ट नंबर सिर्फ 2 है, क्योंकि बाकी 3 के लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स मेंशन है, बाकी सब के लिए नहीं है, इसलिए रेस्ट पैरामीटर उसे यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ ES5 में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स से करते थे। ओके, आर्ग्यूमेंट्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए, 2, 4, 6 सारे आ गए, जितने हमने पास किए वो सारे आ जाते हैं। तो ये एरे लाइक वैल्यू है, इस पर आप फॉर ईच या मैप इस तरह का मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। और इसको एरे लाइक वैल्यू को एरे बनाने के लिए हम लोग चाहिए तो एरे डॉट फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि अभी रेस्ट पैरामीटर आ गया है तो हम लोग को आर्ग्यूमेंट्स का भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी सी को रिमूव कर दूंगा, तो जितने पैरामीटर्स मैंने यहाँ पास किए थे, रेस्ट नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न नल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2, 4, 5, 6, 7 सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर जो रेस्ट करता था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो जो भी पैरामीटर्स यहाँ मिल रही हैं उन सारे पैरामीटर को कलेक्ट करके वो एरे बना रहा है। स्प्रेड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करता है, वो सारे एरेज में जो वैल्यू है उसको वो स्प्रेड कर देता है, उसको यहाँ पर वो डिवाइड कर देता है आपस में। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही सेम एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, ओके, एक एरे क्रिएट करता हूँ, वहाँ पर मैं नेम्स करके यहाँ पर लिख देता हूँ नेम्स, और नेम्स में पहले यहाँ लिखता हूँ शुएब, फिर मैं यहाँ डालता हूँ जैद, फिर मैं यहाँ डालता हूँ ओके
यहाँ पर मैं डालना तुषार। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एरेज यहाँ बना सकते हैं। तो आप ये अब ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एरे है जिसमें तीन वैल्यूज़ है। अभी ये तीन वैल्यूज़ मुझे पास करना है एक फंक्शन में जो ये अलग अलग पैरामीटर्स रिसीव करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ लॉग नेम्स, ओके। और यहाँ पर मैं और ये तीन नेम्स लेता है लाइक नेम वन, ओके, नेम टू कॉमन नेम थ्री। और ये तीनों नेम्स को यहाँ पर वो कंसोल लॉग करता है, कंसोल डॉट लॉग नेम वन कॉमन नेम टू कॉमन नेम थ्री, ओके। सो अभी यहाँ पर ये एरे मुझे पास करना है ये वैल्यूज़। जो पहला वैल्यू है वो मुझे नेम वन में चाहिए, जैद जो है मुझे नेम टू में चाहिए, और तुषार जो वैल्यू है वो नेम थ्री में चाहिए। तो ये मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके कर सकता हूँ। अगर मैं बिना स्प्रेड ऑपरेटर के करूँ तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, लॉग में यहाँ देना पड़ेगा नेम्स ज़ीरो, ओके, तो वो रिसीव होगा। फिर ना फिर देना पड़ेगा नेम्स वन, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दूसरा उसे मिला। और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा नेम्स टू, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा भी उसे मिल गया। लेकिन ये सेम चीज़ इजीली हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ के कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मुझे ये फंक्शन कॉल में वापस करता हूँ और ये जो नेम्स जो एरे था मैं उसको इस तरीके से कर दूँगा डॉट डॉट नेम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तीसरा कंसोल लॉग है वो यहाँ पर इसका कंसोल लॉग है, और आप देख सकते हैं कि दोनों का आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये आप ये देख सिंटैक्स एग्जैक्टली सिमिलर है, पर रेस्ट में ये है कि आप कोई पैरामीटर में या किसी का जो पैरामीटर आपको रिसीव हो रहा है उसको आप एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हो। यहाँ पर ऐसा है कि आप जो भी पैरामीटर आपको मिल रहा है, जो भी एरे वैल्यू आपको मिल रही है, ओके, उसको आप डिवाइड कर रहे हो, राइट, बिकॉज आपने जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ईच इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हमने कॉमा सेपरेटेड पास किया, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके हमने ये एग्जैक्ट सेम यहाँ पर वही चीज़ की, हमने एक एरे लिया और उसको यहाँ पर ईच इंडिविजुअल पैरामीटर में स्प्रेड कर दी, राइट। तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है दोनों का। रेस्ट ये है कि सारे बहुत सारे पैरामीटर को कंबाइन करेगा, और स्प्रेड ये है कि जो कंबाइंड एरे है उसको वो स्प्रेड कर दे, ओके। सो ये दोनों में काफ़ी, बिकॉज इनका सिंटैक्स सेम है तो इसलिए लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें अब ये अभी आप जानते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और कब हम रेस्ट यूज़ करते हैं, कब हम लोग स्प्रेड यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो सिर्फ एरे का लिया है, पर ये सिर्फ एरे में नहीं यूज़ होता है, आप इसे ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर इनको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं स्प्रेड फिर से लिख देता हूँ। और यहाँ पर रेस्ट आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ विद द नेम स्टूडेंट, और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर नेम होगा शोएब, मैं यहाँ पर एक एज दे देता हूँ 27, और यहाँ पर मैं हॉबीज दे देता हूँ, ओके, गुड, और यहाँ पर मैं देता हूँ फुटबॉल, ओके। सो अभी यहाँ पर इनको मुझे ये जो रेस्ट है, ओके, सो अब रेस्ट कैसे यूज़ किया जाए उसके लिए मुझे यहाँ पर आप डीस्ट्रक्चरिंग जानते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो डीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली अगर मुझे एज चाहिए, एज वेरिएबल, एक एज जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर रखना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। एज यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा और मैं उसे दूंगा स्टूडेंट डॉट एज, राइट। तो ये इसको एग्जैक्टली मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं यहाँ दूंगा एज इक्वल टू स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली सिमिलर है ये दोनों लाइन सिनोनिम है, एग्जैक्टली सिमिलर, राइट, बिकॉज एज जो जो वैल्यू है वो मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करके उसमें स्टोर किया हूँ, तो ये एग्जैक्टली दोनों सिमिलर कर, हम एक वेरिएबल बना रहे एज और वो सेम नाम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे है, तो यहाँ पर भी स्टोर हो गया, ठीक है। सो ये यहाँ पर हुआ डीस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पर हम कैसे हम लोग रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, तो अगर मुझे एज छोड़ के बाकी सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो मुझे एक जगह इकट्ठा करना है, एक नए ऑब्जेक्ट में इकट्ठा करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा रेस्ट स्टूडेंट, ओके, और अभी मैं इन रेस्ट स्टूडेंट को कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग रेस्ट स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसोल लॉग हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि नेम है और उसमें हॉबीज़ है पर उसमें एज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो बिल्कुल भी जैसे एरे में वो फंक्शन पैरामीटर के साथ हुआ, जो मेंशन था वो आपको मिल गया, पर जो नहीं मेंशन था, जो उसके बाद में जितने थे वो सारे एक्यूमुलेट हो गए, सारे गैदर हो गए, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पर सेम चीज़ वो कर रहा है, रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड। स्प्रेड एग्जैक्टली हम लोग
ऐसे सिनेरियो में कर सकते हैं जब आपको एक इनिशियली ऑब्जेक्ट यूज़ करके आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मुझे ये स्टूडेंट में से ओके सारे वैल्यूज़ एग्जैक्टली यही चाहिए, बस मुझे नेम चेंज करना है, ओके मुझे नेम चेंज करना है पर मुझे एज और हॉबीज़ एग्जैक्टली सिमिलर चाहिए, तो वो मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगा, ओके आप चाहे तो वार यूज़ कर सकते हैं या कॉन्स, दोनों भी चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ये ऑब्जेक्ट में मैं सारे प्रॉपर्टीज़ ले लूँगा जो स्टूडेंट में थे इस तरीके से। तो अब भी अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल लॉग न्यू स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट जो है एग्जैक्टली सेम है, राइट जैसे बस इसमें एज भी है बिकॉज मैंने डायरेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया है, तो इसमें एज नेम हॉबी सारे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर नेम चेंज करना है, मुझे यहाँ पर नेम दूसरा चाहिए न्यू स्टूडेंट में, बाकी सारे वैल्यूज़ मुझे सेम चाहिए थे, एज सेम चाहिए, हॉबीज सेम चाहिए, पर वो आ गया है, पर यहाँ नेम भी आ गया उसके साथ। तो उसको ओवरराइड करने के लिए मैं यहाँ पर नेम इंक्लूड करूँगा और उधर मैं इधर दे रहता हूँ जैद। तो अभी आप देख सकते हैं दूसरा जो कंसोल लॉग हुआ है उसमें एज सेम है, हॉबीज सेम है जो उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की थी, पर यहाँ पर नेम चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट का क्लोन बना रहे हैं तो वो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके कर सकते हैं। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जब भी हम लिखते हैं, चाहे आप रिएक्ट में लिख रहे हो या किसी और फ्रेमवर्क में लिख रहे हो, तो ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। सो अभी आपको इन दोनों का फ़र्क जानते हो, रेस्ट और स्प्रेड का, और मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ। बाय गाइज़।